महान समाज सेवी शिक्षाविद पंडित गणेश प्रसाद मिश्र की स्मृति में स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन महाराजा छत्रसाल ऑडिटोरियम छत्रपुर में किया गया। समाज सेवा के लिए समर्पित पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास की ओर से नियमित आयोजित होने वाली व्याख्यान माला की कड़ी का यह सप्तम पुष्प था। सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की गई। द्वीप प्रज्वलन के बाद स्वशिष्ट वाचन किया गया। मुख्य अतिथियों का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में मंच से न्यास द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विस्तार से चर्चा की गई। व्याख्यान माला में उपस्थित श्रोताओं और गणमान्य अतिथियों का संबोधित करते हुए पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र ने उमाशंकर पांडे की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी तक उनकी 4 बार प्रशंसा कर चुके हैं। वह जल्द ही विश्वविद्यालय बना रहे हैं और उनके गांव जाकर ही उनके उन्नत कार्य को समझा जा सकता है। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि वह विभिन्न स्कूलों में जाकर लोगों को अन्न जल की बर्बादी रोकने के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उसे बचाने का संकल्प दिला रहे हैं। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि इनकी बर्बादी रुके, अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाकर वातावरण को हरा भरा रखें, घर पर सब्जियां उगाएं, कोई भूखा ना मरे, ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान ना जाए। अगर हम सभी कर सके तो समझ लो कि रामराज की परिकल्पना साकार हो गई। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा सेवा न्यास प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रमुख रूप से पधारे दयानिधि उर्मलिया डॉक्टर रविकांत पाठक का आभार व्यक्त किया। व्याख्यान माला के मुख्य अतिथि पूज्य अनंत विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी राम राजेश्वराचार्य जी महाराज रहे, जो कि रुक्मणी विदर्भ पीठ कौंडिन्यपुर हैं। उन्होंने इस अवसर पर राम राम कर सभी का अभिवादन व्यक्त किया और कहा कि आज भी राम राम अभिवादन का स्वरूप है और उनका नाम लेकर ही अभिवादन किया जाता है, जो कि दर्शाता है कि राम कैसे भारतीय संस्कृति के प्राण है। राम राज्य का आरंभ से यहीं से होता है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में स्वराज हो, सुशासन हो, वही राम राज्य है। भारत के संविधान के पृष्ठ भाग पर श्री राम की प्रतिमा है, इससे माना जा सकता है कि राम राज्य की कल्पना भारत का श्रेय है। स्वामी जी ने त्रेता युग में रामराज को विस्तार से समझाया और वर्तमान में उनकी जरूरत पर बल दिया। रामराज वह है जिसमें किसी की जमीन पर जबरदस्ती अधिकार नहीं किया जाता, बल्कि लंका को जीतने के बाद ही उनके भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया जाता है। कुरीतियों को, कुविचारों को, कुपरंपराओं को त्यागना और उनका दहन करना ही रावण का दहन है। उन्नत भारत के निर्माण के लिए हम ऐसा करना ही चाहिए। भारतीय समाज यह नहीं देखता कि रावण उच्च कुलीन ब्राह्मण था, बल्कि बुराइयों से उसका संबंध होने के कारण उसे आदर्श नहीं समझा जाता। भारतीय संस्कृति में दमन करने वाली विचारधाराओं का दहन किया जाता है। रामानंदाचार्य श्री स्वामी राम राजेश्वराचार्य जी ने कहा कि भारत में देश में छुआछूत की परंपरा कहीं नहीं रही और समय के समय साथ गलत परंपराएं विकसित कर दी गईं। उन्होंने शासन, अनुशासन, प्रशासन के ऊपर खुलकर अपने विचार रखे और कहा कि सुशासन पहले नहीं था, लेकिन अब कुछ मायनों में सुशासन नजर आता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की उपलब्धि है कि आज पिछले 15 सालों में देश में एक भी बम नहीं फटा। इस लिहाज से कह सकते हैं कि भारत में राम राज्य का दौर चल रहा है। व्याख्यान माला की अध्यक्षता कर रहे पद्मश्री जल प्रहरी जल ग्राम जटनी बांदा उत्तर प्रदेश के उमा शंकर पांडे ने कहा कि मैंने छोटे संसाधनों में काम शुरू किया है और आज अपने माता पिता के आशीर्वाद से मैं बहुत कुछ कर पाया हूं। अगर माँ बाप का आशीर्वाद हो तो दुनिया में बड़ी से बड़ी सफलता पाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया में भगवान नहीं देखे, लेकिन भगवान माँ से अच्छे नहीं होंगे, यह मैं कह सकता हूं, क्योंकि भगवान माँ ने ही दिखाए हैं। अपने माता पिता की भरपूर सेवा कीजिए और आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। उमा शंकर पांडे ने अपने जखनी गांव की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए किए गए कार्य की सराहना की और उसके आधार पर योजना शुरू की है। आज उनके प्रयासों से बुंदेलखंड और यूपी के कई अंचलों में बड़े पैमाने पर बासमती चावल और बांस का उत्पादन किया जाता है। खेत पर मेड़ पर पेड़ के मंत्र के साथ बुंदेलखंड के कई गांवों में जल प्रबंधन के लिए बेहतर कार्य किया जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है। बुंदेलखंड की भूमि का जल स्तर 2 मीटर तक ऊपर बढ़ गया है। दुनिया के लोग भारत के ऊपर निगाहें गड़ाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत को आगे ले जा रहे हैं। एक समय राम का नाम लेना तब विवादित समझा जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। डॉक्टर राकेश मिश्र की प्रशंसा करते उन्होंने कहा कि नरसेवा नारायण सेवा की संकल्प के साथ अपने माता पिता के स्वप्न को डॉक्टर मिश्र सरकार पूरा कर रहे हैं, जो कि अनूठी बात है। समाज को अपने माता पिता की सेवा का वत लेना चाहिए और डॉक्टर मिश्र से सीख लेनी चाहिए कि अपने पिता के नाम पर समाज सेवा कर युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम में छत्रपुर के से कई अतिथियों ने शिरकत की, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता नारायण काले, नरेंद्र मिश्र टिबलू, राधे शुक्ला, सौरभ तिवारी, प्रवीण गुप्ता, नीरज भार्गव, बीजेपी जिला महामंत्री जयराम चतुर्वेदी, यशवंत पटेल, बुंदेलखंड
डॉक्टर रवि शंकर पाठक, सुधीर अरजरिया, अभिषेक खरे, दुर्गेंद्र सिंह, अवधेश नूतन सोनी, संदीप पांडे के साथ अन्य लोग भी शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रदीप खरे ने सभी का आभार व्यक्त किया और वंदे मातरम गीत के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।